मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आपके जो यूनिट है उसमें मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, उसके में जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आंसर थे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में मिलेंगे? जो भी दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे दही, चीज या पनीर, फिर संवर्धित बटर, सॉसेज, अचार आदि में ये मिलते हैं। इसका लाभप्रद उपयोग क्या है? ये भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाते हैं, क्योंकि ये पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, विटामिन में वृद्धि करते हैं, भोज्य पदार्थों में हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ाते हैं, प्रोबायोटिक का काम करते हैं। कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो जौ, गेहूं, चावल, चना से बनते हैं और उसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं, चावल, चना से बनने वाले आहार जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है, कौन कौन से हैं? आप सब बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों। डोसा, इडली, ब्रेड, बड़ा पाव, ढोकला, कांजी बड़ा, ये सारे क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं, किण्वन की क्रिया से, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ये इनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल रहता है। उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करें। सूक्ष्म जीव उपापचय क्रियाओं अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किण्वन के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं? CO2 का। वैसे ठोस भोज जो किण्वन के फलस्वरूप में बनते हैं, CO2 गैस के उपस्थित होने से वे मुलायम, उभरे तथा फूले हुए होते हैं, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। जैसे इडली, बड़ा, स्विस चीज, इसमें बड़े बड़े होल्स पाए जाते हैं स्विस चीज में। नेक्स्ट देखो, उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करें। अगेन फिर से भाई क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव उपापचय क्रियाओं किण्वन के दौरान CO2 गैस का उत्पादन करते हैं, ये बिल्कुल जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन के जैसा है, जैसे कि इडली, बड़ा, स्विस चीज। चौथा क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी अथवा सूक्ष्म जीविकी की व्यावसायिक उपयोगिता बताइए। देखिए, सूक्ष्म जीवों की भूमिका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? सूक्ष्म जीवों के प्रयोग हमारे कई परंपरागत और आधुनिक व्यवसायों में हो रहे हैं। ऐसे व्यवसाय जिसमें सूक्ष्म जीवों अथवा सूक्ष्म जीविकी का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? पहला हो गया जैसे घरेलू उत्पाद, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जैविकी का व्यावसायिक प्रयोग, जैसे दही बनाना, योगर्ट, चीज, पनीर, डोसा, ढोकला, इडली, ब्रेड आदि। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में तो जो किण्वित एल्कोहलिक पेय पदार्थ रहते हैं, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि में सूक्ष्म जैविकी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हम जो एंटीबायोटिक का उत्पादन करते हैं उसमें भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। कई प्रकार के एंजाइम तथा सक्रिय अणुओं बनाने में किया जाता है। वाहित मल उपचार तथा बायो रेमेडिएशन में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस उत्पादन में इनका यूज होता है। जैव नियंत्रक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और जैव उर्वरक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू मस्ट हैव लर्न प्रॉपरली। इसको आप बहुत अच्छे से याद करिए और बहुत इजी है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वाहित मल के द्वितीयक उपचार को जैविक उपचार भी कहते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए तथा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। वाहित मल के उपचार में हमने पहले प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ा था कि क्या करते हैं, उसको भौतिक विधियों द्वारा पृथक्करण किया जाता है। जब द्वितीयक प्रकार होता है तो दो प्रकार की जैविक क्रिया होती है उसमें, पहला वायवीय सूक्ष्म जीवियों का प्रबल सक्रियण, दूसरा अवायवीय सूक्ष्म जीवियों द्वारा उपचार किया जाता है, अर्थात इसमें एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं। वाहित मल के प्राथमिक उपचार के पश्चात उन्हें वायवीय खुले टैंकों में गुजारा जाता है, ओपन टैंक में रख दिया जाता है। बड़े बड़े एरेटर्स की एरेशन क्रिया द्वारा सूक्ष्म जीवियों के सक्रियण तथा अतिवृद्धि के फलस्वरूप उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कराया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। इससे वाहित जल के मान में, BOD मान में कमी आ जाती है। दूसरी प्रक्रिया के तहत वही स्राव, जो अगेन जो वो स्राव है, उसको सेटलिंग टैंक या निस्साधन टैंक में भेजते हैं। वहां जो जीवाणु फ्लॉक्स या झुंड में
उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। इस अवसाद सक्रियत को आपंक कहते हैं। आपंक जो होता है अवायवीय आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में पंप करके भेजते हैं। वहां पर जितने भी एनारोबिक सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है और उसमें जीवाणुओं तथा कवकों से पाचन कराया जाता है। इस क्रिया में जीवाणु गैसों का मिश्रण जैसे मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन्हें ही बायोगैस कहा जाता है। मेथेनोजेन जीवाणु क्या होते हैं? ये बायोगैस के उत्पादन में कैसे सहायता करते हैं? तो मेथेनोजेन जो एक जीवाणुओं का ग्रुप है जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों विशेषता जो सेल्युलोजिक हैं, सेल्युलोज प्रमुखता वाले जो होते हैं उनका अवायवीय अपघटन, अपघटन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायु की उपस्थिति यानी O2 की उपस्थिति में और एक होता है O2 की अनुपस्थिति में। तो अवायवीय अपघटन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अवायवीय अपघटन करके मीथेन बनाते हैं। ये जीवाणु अधिकांशतः ये जो जितना अवायवी गाढ़ा कीचड़ या वेटलैंड में पाए जाते हैं, ये पशुओं के रूमेन में भी पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस वाहित जल उपचार के द्वितीयक अवस्था में कार्बनिक पदार्थों का पाचन करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ तथा गोबर को टैंक में बंद करने पर ये जीवाणु किसका निर्माण करते हैं? बायोगैस का निर्माण करेंगे। इसमें मीथेन के अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जैव पीड़क नाशी से क्या लाभ है? 5 पॉइंट में बताना है। जैव पीड़क नाशी जैसे कि किसका नाश करते? पीड़कों का, पीड़क यानी कीटकों का नाश करते हैं। जैव पीड़क नाशी के लाभ निम्नलिखित हैं। जैव पीड़क नाशी प्रजाति विशिष्ट होते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर स्पेशीज स्पेसिफिक होते हैं। वे अन्य कीटों या जीवों को हानि नहीं पहुंचाते। इससे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी प्रभावित नहीं होती है। लाभदायक सूक्ष्म जीवों को यह प्रभावित नहीं करते, अतः मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसको ऐसे समझो कि यदि हमने कोई केमिकल पेस्टिसाइड डाला तो वो हमारे लाभदायक हानिकारक दोनों ही प्रकार के जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाएगा। इसके विपरीत जो जैव पीड़क नाशी है वो क्या होते हैं? पर्टिकुलर उसी जीव पे अटैक करते हैं जिसको हम खत्म करना चाहते हैं। रासायनिक पीड़क नाशी की भांति इनका वातावरण में जैव संचय होने की समस्या नहीं होती। रासायनिक व कृत्रिम पीड़क नाशी के लिए किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए महंगे उत्पाद पर निर्भर नहीं रहना होता। यह टिकाऊ खेती के लिए लाभदायक है। पीड़क नाशी रासायनिक पीड़क नाशी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर लेते हैं, परंतु जैव पीड़क नाशी हमेशा अप्रभावी रहता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये एनालिटिकल क्वेश्चन जो आपके न्यू पैटर्न पे आने वाले हैं उसमें ये आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, जैव वैज्ञानिक पीड़कों का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। जैव वैज्ञानिक या किसान द्वारा पीड़कों के नियंत्रण के उपागम का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों से परिचित होना। उदाहरण स्वरूप कीटों को परिभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि, वास स्थल के रूप में पसंद किया जाता। ये सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए भृंग बीटल तथा व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई को एफिड मच्छरों से तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैव सूक्ष्मजीवी नियंत्रण के अंतर्गत बैसिलस थुरेंजियंसिस BT का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जैव उर्वरकों में साइनोबैक्टीरिया के महत्व को बताइए। साइनोबैक्टीरिया विशिष्ट महत्व रखते हैं और ये निम्नलिखित रूप से महत्वपूर्ण है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ ऑक्सीजन निर्माण का कार्य करते हैं जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया का खेतों में संवर्धन तथा प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये जमीन की नमी बनाए रखते हैं। बहुत ही कम अवधि लगभग 1 सप्ताह में प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। कृषि को कम लागत तथा टिकाऊ बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक उन्नत मृदा उर्वरता हेतु प्राकृतिक उपादान है। खाद एवं जैव उर्वरक में 3 अंतर लिखिए। ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस, खाद एवं जैव उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। खाद पादप एवं जंतु उत्पाद जैसे मलमूत्र गोबर हरी पत्तियों के सड़ने से बने पदार्थ को कहते हैं, जबकि जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के संवर्धित रूप होते हैं जो नाइट्रोजन या फास्फोरस का संग्रह कर
फसलों को उपलब्ध कराते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाद और जैव उर्वरक लगभग एक है। नहीं, खाद बिल्कुल अलग है और जैव उर्वरक बिल्कुल विशिष्टता लिए होते हैं। खाद के उदाहरण है कंपोस्ट या फार्म उत्पाद खाद, जबकि जैव उर्वरक के उदाहरण है नील हरित शैवाल संवर्धन, ब्लू ग्रीन एल्गे को बनाना, राइजोबियम संवर्धन आदि। खाद फसलों को कार्बनिक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि जैव उर्वरक कार्बनिक पोषक तत्व के साथ साथ अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम तीव्र गति से उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट देखते बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। औद्योगिक उत्पादकों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों के महत्व को बताइए। ये हम कई बार आपका लघु उत्तरी, फिर उसके बाद में और अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से जीवाणु एवं कवक का औद्योगिक खाद्य उत्पाद, दवाएं, उच्च मूल्य रासायनिक उत्पाद निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के महत्व को निम्न पांच बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, किण्वित पेय का निर्माण। यीस्ट द्वारा किण्वन अपनाकर कई प्रकार के फर्मेंटेड जो लिक्विड है उनका निर्माण सदियों से होता आ रहा, जैसे शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम आदि उत्पादों का औद्योगिक उत्पादन किया जाता। साथ में इसमें अल्कोहल वगैरह भी प्रोड्यूस होते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं। डेयरी उत्पाद, लैक्टिक एसिड किण्वन का प्रयोग करके डेयरी उत्पाद जैसे चीज, दही, पनीर आदि बनाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं को बहुत सदियों पूर्व से ही अच्छे से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे ल्यूकोनास्टाक, पेडियोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जीवाणु काय में, सूक्ष्म जीवाणु काय में काम आ रहे हैं दवा एवं एंटीबायोटिक के निर्माण में। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग विविध रोगों के उपचार हेतु एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्रेमोनियल आदि जीनस के सूक्ष्म जीव विविध प्रकार के एंटीबायोटिक निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। पहले इन सूक्ष्म जीवों से प्राकृतिक किण्वन द्वारा एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते थे, परंतु अब सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक तरीके से भी एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं जो प्रभावी हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस की कई प्रजातियों से कई एंटीबायोटिक जैसे एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वेंकोमाइसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। चौथा, कार्बनिक अम्लों के निर्माण में। कार्बनिक अम्लों के बड़े स्तर पर औद्योगिक एवं व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इसमें एस्परजिलस नाइजर किसका उत्पादन करता है, साइट्रिक एसिड का, एसिटोबैक्टर एक्यूट तथा एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड का उत्पादन, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड के उत्पादन में, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक अम्ल के प्रयोग में होता है जो एथेनॉल उत्पादन के लिए, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग सदियों से किया जा रहा है। इसके बाद आता है एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों जैसे खाद्य संसाधन संरक्षण, अपमार्जक, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग में संपादन हेतु जो एंजाइम्स लगते हैं उनके उत्पादन में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम जैसे एमाइलेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज आदि। जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में, जैव सक्रिय अणु हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में भाग लेते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, ये अणु जो बनता है वो प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसिव रोग में प्रयुक्त होता है जो ट्राइकोडर्मा फॉलीस्फेरस कवक द्वारा संश्लेषित होता है। स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कारक की तरह। एंटी कैंसर अणु स्ट्रेप्टोमाइसिस परमुलस का प्रयोग जेनेटिक अभियांत्रिकी एवं एंटी कैंसर अणु बनाने में किया जाता है। दूसरा, वाहित मल उपचार संयंत्र की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। वाहित मल उपचार एक प्रक्रिया है जिसके तहत वाहित मल में उपस्थित अपशिष्टों को अलग कर शेष जल को अन्य प्रयोगों के लिए बनाया जाता है। इस कार्य में भौतिक, रासायनिक, जैविक विधियों का प्रयोग कर जो सीवर वाटर है उसको पर्यावरण के हिसाब से सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा पानी जो है वो सीवर वाटर में वेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर रिसाइकल वाटर के लिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें पुनः उपचारित कर जमीन पर या खेतों पर इसे डाला जाता है। इस प्रक्रिया में बायोगैस का निर्माण भी होता है। ये सारी प्रक्रियाएं वाहित मल उपचार संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर संपन्न होती है। ये निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। पहला है प्राथमिक उपचार, इसमें
भौतिक रूप से छोटे बड़े कणों को अलग कर दिया जाता है, कूड़े करकट को, कैन है, रैक है, प्लास्टिक पैकेट आदि, इन सबको फिल्ट्रेशन द्वारा हटा देते हैं। जो भी ग्रीस या लिपिड या तेली पदार्थ, उनको भी छानकर अलग कर दिया जाता है। इसके बाद मृदा, पेबल, ग्रिट को सेडिमेंटेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। इस प्रकार तैरने वाले तथा अवसादित पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। शेष जल को द्वितीय उपचार के लिए वायु टैंकों में भेजा जाता है। जब ये सेकंड में जाता है द्वितीय उपचार, इसका हम प्रीवियस में वर्णन कर चुके हैं, तो इसमें वाहित मल जल में जितने भी घुलित निलंबित जैविक पदार्थ उनको अपघटित करते हैं। इसमें वायवीय जीवाणुओं की मदद ली जाती है। हम क्या करते हैं, वायु एरेटर की सहायता से लगातार हिलाते हैं, जिससे कि इन जीवाणुओं की सक्रियता बढ़ती है और उसमें बीओडी लेवल कम आने लगता है। इसके बाद इसको इसमें करते हैं अवायवीय संप्राचित संयंत्र में, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजा जाता है। वहां पर जो एनएरोबिक रूप से इसका पाचन होता है, और वहां पर मैथनोजन जो जीवाणु रहते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु, जो कवक हैं, वो क्या करते हैं, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। और इसको ऊर्जा के अपरंपरागत रूप में प्रयोग किया जाता है। तृतीयक उपचार क्या होता है, जब कभी कभी उपचारित बहिस्राव का प्रयोग संवेदनशील परिवर्तंत्र में करना हो, तो उसको द्वितीय उपचार के पश्चात रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा पूर्णतः संक्रमण मुक्त भी किया जाता है। परंतु तृतीयक उपचार व्यवस्था सभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर उपलब्ध नहीं होती। जनरली क्या होता है, द्वितीयक उपचार के बाद इस पानी को खेतों में छोड़ दिया जाता है सिंचाई के लिए। जैव नियंत्रण से क्या समझते हो आप, समझाइए। इसको हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरक वैसे जीव हैं जो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का संग्रह कर फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों के मुख्य स्रोत है जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया। पहला है जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु, इसमें है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक। लेग्यूमिनस पादपों की जल में क्या पाया जाता है, जड़ में क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ये क्या करते हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी पदार्थ बना लेते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक, मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोटोबैक्टर जो है मुक्त अवस्था में रहते हैं। यह भी भूमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में इनकी मात्रा बढ़ाते हैं। कवक द्वारा जैव उर्वरक की उपलब्धता, कवक पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। ग्लोमस जीनस के कवक मुख्य रूप से माइकोराइजा बनाते हैं। इसमें कवकीय जीव मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर अपने प्लांट पार्टनर को देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप अन्य लाभ जैसे लवणता, सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि विकास प्रदर्शित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया मृदा के उर्वरक के रूप में, साइनोबैक्टीरिया कैसे जीव है, स्वपोषित जीव है जो जल तथा थल वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इन जीवों में हेटरोसिस्ट संरचनाएं होती हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करती हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों में कौन कौन से हैं, एनाबीना, नास्टक, ऑसिलेटोरिया आदि जैव उर्वरक का काम करते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, बायोगैस उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को क्या कहते हैं, एक बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाइए। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है तथा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायोगैस ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्वच्छ तथा सुरक्षित स्रोत है। आप सब बहुत अच्छे से इनके बारे में जानते हैं क्योंकि 10th में आप बायोगैस संयंत्र को बहुत अच्छे से बना चुके हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट टैंक जो होता है उसमें गोबर जो भी जैव अपशिष्ट है उसको जल के साथ मिश्रित करके डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर मेथनोजेन जीवाणु क्रिया करते हैं और उसके दौरान बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसको एक पाइप के माध्यम से ऊर्जा प्राप्ति के लिए ले लिया जाता है। बचा हुआ जो पार्ट जो स्लज कहलाता है, वो भी फेंकने योग्य नहीं होता बल्कि एक बहुत अच्छी खाद के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों ये थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट